हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मनु खाना खजाना में। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की कलौंजी। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और यह खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो करेले को हमने सबसे पहले क्या किया, अच्छे से धुल के छील लिया है और उसको कट करके उसके बीज भी हमने निकाल दिया है एकदम अच्छे से। अब इसमें हम क्या करेंगे, नमक डाल के थोड़ी देर तक इसको रख देंगे। इससे क्या होता है, इसका थोड़ा सा कड़वापन कम हो जाता है। तो हमने इसमें थोड़ा नमक डाल दिया है, लगभग 1 चम्मच के बराबर, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें और इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक इसको छोड़े हुए तब तक हम कलौंजी का मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने लगभग आधा किलो करेला लिया। अब मसाले के लिए हमने लिया 3 प्याज, मिर्च, धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन और ये जीरा और धनिया को हमने हल्का सा भून लिया है और इसका पीस के हम इसका पाउडर बना लेंगे। हम इसी मसाले का कलौंजी में यूज करेंगे। अमचूर, नमक और इसमें डालेंगे हल्दी और सरसों का तेल। तो चलिए सबसे पहले मसाला बना लेते। सबसे पहले हम जीरा और धनिया को पीस लेते हैं। हमने इसको प्याज लहसुन अदरक को बारीक कट करने के लिए चॉपर का यूज किया। आप चाकू से भी इसको बारीक कट कर सकते हो। हमने 3 एकदम छोटे साइज की प्याज लेंगे। अगर बड़ी साइज की प्याज है तो हम इसका कम यूज करेंगे। तो हम इसे एकदम बारीक कट कर लेंगे चॉपर से, बहुत ही बारीक प्याज और सभी चीज हम ऐसे ऐसे बस घुमा लेंगे और इसे एकदम फटाफट प्याज को बारीक कर देगा, सभी सामग्रियों को एकदम बारीक कट कर देगा। 10 से 15 सेकंड में प्याज कितनी बारीक कट हो गई है, इसको भी एकदम बारीक कट कर लिया। जो हमने मसाला पीसा था उसको मिक्स कर लेते हैं। तो 4 से 5 बड़े चम्मच अब मसाला मिक्स करेंगे। आपको जितना क्वांटिटी में करेला लिए हैं उसी हिसाब से मसाला बनाना होगा। 4 चम्मच हमने ये मिक्स कर दिया। करेले की कलौंजी बनाएंगे, इसमें अमचूर का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम इसमें 1 चम्मच अमचूर डाल देते हैं, आधी चम्मच हल्दी। अगर आपको ज्यादा तीखा खाना है तो आप लाल मिर्च पाउडर को भी यूज कर सकते हैं। हमने बस थोड़ी सी 1 चुटकी तक लाल मिर्च पाउडर डाला है, आपको अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। हमने ये इसमें 1 चम्मच सब्जी मसाला भी यूज कर लिया है। ये आप यूज करना चाहे तो करें, नहीं तो जरूरी नहीं है। डाल देते हैं स्वादानुसार नमक। तो हमने इतना मसाला लिया है तो लगभग लगभग 1.5 चम्मच हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हल्का नमक उस में पहले से ही लपेट के रखा था तो इसलिए हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हल्का नमक उस पे भी नमक का टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम मिसाल देते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल। ये देखिए, तो इसमें हमने डाल दिया सरसों का तेल। इसे भी अच्छे से हाथ से मिक्स कर देते हैं। हमारा मसाला बनके तैयार हो गया। अब हम इसे करेले में भर के कलौंजी बनाते हैं। जो करेला लिया था वो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा, अगर पानी छोड़ा होगा तो हम उसको दबा के उसका पानी निकाल देंगे जिससे कि उसका कड़वापन चला जाए। अच्छे से दबाएंगे इससे उसका पानी निकल जाएगा। ये पानी निकल गया, अब हम इसमें मसाले भर देंगे। भर लेते हैं
इन जो हमने कट करके रखे थे पहले से करेले और उनके बीज एकदम निकाल दिया था, अब इसमें हम भर देते हैं ये मसाला अच्छे से। तो ये देखिए इस तरह से हम मसालों को भर देंगे। आप चाहे तो इससे मसाले थोड़े निकल जाते तो आप चाहे इन्हें धागों से बांध दीजिए तो उससे मसाले नहीं निकलेंगे, पर हम अच्छे से सभी में भर देंगे। इस तरह से हम सारे करेलों में मसालों को भर देंगे। तो हमने सारे करेलों में ये मसाले भर दिए और हम इधर गैस पे कढ़ाई को गरम करने के लिए रख देते हैं और साथ में डाल देते हैं सरसों का तेल। हमने इसको इसमें सरसों का तेल यूज किया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो हमने डाल दिया सरसों का तेल, तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो कढ़ाई गर्म हो गई और हम इसे आसानी से इसको एकदम रख देंगे सारे करेले को। और इसको हम ढक देंगे, इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, करेला जले नहीं। और इसको बहुत आराम से धीरे धीरे चलाना जिससे कि बहुत ज्यादा मसाला बाहर ना निकले। थोड़ा तो निकलेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं निकले। तो अभी हम इसको ढक देते हैं, गैस को हम मीडियम फ्लेम में कर देते हैं। तो हमें कलौंजी को बीच बीच में एकदम आसानी से चलाना है और इसको ऐसे ही धीमी आंच में पकने देना है। ऐसे ही कलौंजी को अच्छे से पक जाने देंगे और धीमी आंच में बीच बीच में बस ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक कि कलौंजी अच्छे से पक ना जाए। चलिए चेक कर लेते हैं कि कलौंजी पक गई है कि नहीं। तो ये देखिए कलौंजी एकदम अच्छे से पक गई है और कट भी जा रही है इससे, तो जिससे पता चलता है कि कलौंजी पक गई है। हम गैस बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए ये मसाले के साथ कितने अच्छे से पक गई है और देखने में भी बहुत सुंदर दिख रही है। ये खाने में बहुत ज्यादा यम्मी लगेगी। अब ये हमने एक बर्तन में इसको निकाल लिया है और हम धनिया पत्ती और ऊपर से डाल देंगे और गार्निश कर देंगे। सही, तो ये देखिए अच्छे से करेले की कलौंजी बनके तैयार हो गई। आप इसे रोटी पूड़ी या पराठे किसी के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू।